चलिए हम लोग जुड़ गए हैं अभिषेक जी के साथ। अभिषेक जी ने इंट्री राउंड जीत कर पहुंच चुके हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में और हम जुड़े हैं अभिषेक जी के साथ क्वार्टर फाइनल राउंड खेलने के लिए। तो अभिषेक जी आपका पहला प्रश्न आ रहा है। ओके आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। आपका पहला प्रश्न बहुत ईजी है, आपको बताना है। पहला प्रश्न है कि सूर्य न होने पर, अगर मान लीजिए सूर्य न हो तो हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? सूर्य न होने पर आकाश कैसा दिखाई देगा? 10 सेकेंड का आपके पास समय है। काला। आपने कहा सूर्य न होने पर आकाश हमें दिखाई देगा काला। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बधाई, आपने पहले प्रश्न का सही जवाब दे दिया है। ओके कैसा लग रहा है अभिषेक जी? एक मिनट सर। ओके कंटिन्यू किया जाए। ओके बहुत ही अच्छा। चलिए आपका दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मदुरई में। आपने बताया मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस, क्या बात है। दो प्रश्नों का सही जवाब देकर अब आप पहुंच गए हैं आखिरी प्रश्न के करीब। कैसा महसूस हो रहा है अभिषेक जी? अभी लास्ट कदम है। चलिए बहुत अच्छी याद है। इस बार है, उस बार हो जाएंगे तब पूछेगा कंटिन्यू लेवल। अच्छा, हाँ बात तो आपकी सही है। ओके अच्छा, तो आप तैयार हैं अपने आखिरी प्रश्न के लिए? बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा आपको बताना है कि विद्युत धारा तारों में चलती है उसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, मतलब किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है विद्युत धारा को? एक मिनट सर, क्वेश्चन रिपीट करिएगा। क्वेश्चन ये है कि जो विद्युत धारा होता है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, मतलब उसको क्या बताना है विद्युत धारा किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे आप कैसे नियंत्रित करते हैं? क्वेश्चन ही मुझे समझ में नहीं आया, विद्युत धारा कैसे नियंत्रित किया जाता है? तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे आप कैसे नियंत्रित करेंगे? कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कैसे नियंत्रित करेंगे? इसका तो सर ऑप्शन है, मतलब कि विद्युत धारा नियंत्रित करने के लिए अवयव को परिवर्तित प्रतिरोध, मतलब विद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध हो उसको परिवर्तित करने के लिए। क्या चीज? मतलब सर ये क्वेश्चन ही कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर कहीं से तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे आप कैसे नियंत्रित करेंगे? जी बस इतना आपको बताना है, उस समय आपका प्रतिरोध परिवर्तित करके। चलिए आपने बताया कुल मिलाकर प्रतिरोध के द्वारा या प्रतिरोध परिवर्तित करके। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस, प्रतिरोध को घटा बढ़ाकर हम, हाँ प्रतिरोध को घटा बढ़ाकर हम धारा जो प्रवाहित हो रही है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। सिंपल सा, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाते। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, सीजन 4 के आप पहले हैं हमारे विनर जो पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। तो अभी आपको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी आज 19 तारीख है। अब इंट्री राउंड आप नहीं खेलेंगे। ओह माय गॉड, तो आप इंट्री राउंड नहीं खेलेंगे। हमारी तरफ से आपको ढेरों बधाइयां सेमीफाइनल राउंड के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।